नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। तो वे सिंह ने सपा का टिकट लौटाया है, चुनाव लड़ने से मना किया, कहा मणिकपुर विधानसभा सीट से नहीं लड़ेंगे चुनाव। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की रैली कैंसिल हो गई है, परमिशन ना मिलने से गाजियाबाद के लोनी में कार्यक्रम होना था लेकिन अब वो पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। सम्राट ददुआ के बेटे वीर सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वीर सिंह को समाजवादी पार्टी ने चित्रकूट जिले के मणिकपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। शुक्रवार को वीर सिंह पटेल ने लखनऊ सपा कार्यालय जाकर चुनाव लड़ने से सपा मना कर दिया है। वहीं वीर सिंह पटेल ने बताया कि उन्होंने चित्रकूट सदर विधानसभा सीट से आवेदन किया था लेकिन पार्टी ने उन्हें मणिकपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। उनकी तैयारी चित्रकूट विधानसभा सीट को लेकर थी। मणिकपुर विधानसभा सीट में संगठन भी मजबूत नहीं है, वो पार्टी के साथ है, पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो उसका पूरा साथ देगा लेकिन वो खुद मणिकपुर विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। यूपी चुनाव प्रचार के बीच हमले के दो दिन बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज दो जगह चुनाव प्रचार करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक ओवैसी आज तीन जगहों पर जनसभाएं करने वाले थे लेकिन प्रशासन ने लोनी में रैली की इजाजत नहीं दी है। लोनी में दोपहर 12 बजे ओवैसी की पहली रैली होनी थी। अब ओवैसी दोपहर 2 बजे छपरौली में और शाम 4 बजे गढ़मुक्तेश्वर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि गुरुवार शाम को मेरठ से लौटते वक्त ओवैसी पर दो युवकों ने फायरिंग की थी। इसके बाद ओवैसी ने केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। ओवैसी का कहना है कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए लेकिन सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। जैसे जैसे मतदान के दिन पास आ रहे हैं वैसे ही बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, जिसके चलते बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रुद्रपुर के सिटी क्लब पहुंचे जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उनके पास मनोज तिवारी ने रुद्रपुर के खेड़े में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता पार्टी में होना बीजेपी की ताकत है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ को कीछा से चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कीछा से भी हार ही मिलने वाली है। देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने बहुत हृदय खोल के आशीर्वाद देना शुरू किया है, ऐसा हम लोग डोर टू डोर प्रचार में भी देख रहे हैं। और जब मैं आया हूँ रुद्रपुर में तो जो यहाँ का माहौल है आप सब भी देख सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से इस बार शिव अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधायक बन करके हम ही सरकार में शामिल होंगे। बीजेपी की नीतियों से त्रस्त और टिकट वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए बीजेपी के दर्जनों पदाधिकारियों सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने दायित्व सहित पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अंबेडकर नगर स्थित बीजेपी महिला नेत्री पूजा सिंह के आवास पर हुई बैठक में बीजेपी के लालकुआ मंडल उपाध्यक्ष ब्रिजेश यादव और बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री कुंदन सोपलियाल के संयुक्त नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि बीजेपी की गलत नीतियों और टिकट वितरण का तरीका सही नहीं है और पार्टी आलाकमान ने बागी को टिकट देकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और इस्तीफा देने का कारण यह है कि जो टिकट वितरण हुआ है, जो लोग कार्य कर रहे थे, जो पार्टी की सेवा कर रहे थे, टिकट का दायित्व तो उसको होता है न कि बाहर से किसी को ला करके और टिकट दे दिया जाए। अगर इसमें जो लोग दावेदार थे जैसे पवन चौहान थे, सिटिंग विधायक नवीन दुमका जी थे, प्रदीप बिष्ट जी थे, हेमंत द्विवेदी जी थे, अगर इसमें किसी
भी व्यक्ति को दिया गया होता तो किसी को नाराजगी नहीं होती। मैं भाजपा की गलत नीतियों से आहत होकर अपने पद का इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि जो लोग इस समय टिकट की चाहत रख रहे थे वो यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी उन्होंने दम लगा के मेहनत की टिकट पाने के लिए, लेकिन अंत में भाजपा ने किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया है, जिससे मैं और हमारे पार्टी के काफ़ी लोग आहत हुए। इस कारण मैं इस्तीफा देता हूँ। मेरे साथी हैं दीपक यादव, इनके पास महामंत्री का पद रहा है। हम लोगों की लोगों ने देखा कि पार्टी जो है अब अपनी नीतियों से विपरीत जा रही थी। जो लोग यहाँ पर काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, टिकट के दावेदारी में आगे चल रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, इससे हम सब आहत हैं और इस वजह से हम पार्टी की सदस्यता छोड़ रहे हैं। पूर्व में चेयरमैन रह चुके लालकुआ से श्री पवन चौहान जी का, हम सब लोग इकट्ठा होकर के समर्थन करने जा रहे हैं। नानकमत्ता में आम आदमी पार्टी की दिल्ली डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को महज आपकी योजनाओं का कॉपी पेस्ट बताया। उन्होंने इसे उत्तराखंडियत के साथ भद्दा मजाक बताया। नगर की नानकमत्ता स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 20 सालों में 10 साल कांग्रेस का राज रहा है। कांग्रेस के उत्तराखंडियत स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली और 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर की बात की गई है। हम लोग लगातार विधानसभा विधानसभा जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग इस बार तीसरे विकल्प के रूप में पार्टी में को लाने के लिए तैयार हैं और सत्ता में परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल मन बना लिए। बिल्कुल ये स्पष्ट है कि जो है कॉपी करने की आदत उनके पास अपने मुद्दे रहे नहीं है, दूसरे को मुद्दों को चुरा कर कॉपी कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल प्रचार में पिछड़ गई है और इसीलिए उन्हें दूसरों का के घोषणा पत्र को कॉपी करने के लिए मजबूर। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण का हरिद्वार दौरा रहा। चंद्रशेखर आज़ाद हरिद्वार की विधानसभा लक्सर, हरिद्वार ग्रामीण और कलियर सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। हरिद्वार की लगभग सभी विधानसभाओं पर आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, उससे पहले सभी प्रत्याशी जनता से जुड़ाव और वोट मांगने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मौसम खराब और बर्फबारी के बीच भी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पैठाणी में चुनाव प्रचार किया। भारी बर्फबारी के बीच धन सिंह रावत ने पावो पैठाणी में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान धन सिंह का स्थानीय लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। तो पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बेहद ही कम समय चुनावों का रह गया है, 14 फरवरी को यहाँ पे मतदान होना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता से जुड़ाव की बात कर रहे हैं, वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की, तो वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खराब मौसम हो, चाहे बर्फबारी हो या बरसात का मौसम हो, कैबिनेट मंत्री लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अभी हाल ही में वो पैठाणी पहुंचे, भारी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन चलाया। इस दौरान धन सिंह रावत का स्थानीय लोगों ने भी बखूबी स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में अलग अलग दलों से आए नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने बीजेपी का पटका पहनाकर मधु शुक्ला का बीजेपी में स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने वालों में पूर्व मंत्री राजकुमारी कुशवाहा, पत्रकार हरिकेश चंद पाठक समेत तमाम लोग शामिल हैं। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आरपीएन सिंह के आने के बाद बीजेपी में कोने कोने से लोग बीजेपी में आ रहे हैं, गठबंधन में दायरे दिखते नजर आ रहे हैं। पहले छुप छुप के टिकट बांट रहे थे, अब टिकट बदल जा रहे हैं।
जेल वाले या बेल वाले कभी किसी गरीब का उत्थान नहीं कर सकते। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी और योगी का जोर है, यूपी में चुनाव में तीसरा शतक लगने की ओर है। जो गाड़ने की बात करता है, हमने चुनाव आयोग में कंप्लेंट दर्ज कराई है। वहीं ओवैसी पर हुए हमले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं बस इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ लिया है। ये अपराधी दंगाई माफियों को साथ में लेकर जो चलते थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको पहले स्वीकार किया, ना आज स्वीकार करने वाले। मैं एक तरफी बात ना करते हुए मैं चाहूंगा कि चार पांच प्रश्न अगर किसी को पूछ रहे हैं तो आप बेफिक्र करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अखिलेश के सहयोगियों के पास राजभर है, उन्होंने कहा कि वो भुगतान को सपोर्ट करेंगे। देखिए अखिलेश जी ने शायद ही कोई ऐसा अपराधी दंगाई माफिया वाले को छोड़ा हो जो उनके कैंडिडेट की लिस्ट में नाम ना, जो रह गए थे उनका सहयोग करने में भी वो और उनके सहयोगी दल लगे। ये स्पष्ट दिखता है कि जो जेल के पीछे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में खून की नदी बहाई, जिन्होंने टोपी का लाल रंग और गहरा उत्तर प्रदेश के लोगों के खून से किया है, उन लोगों का समर्थन करने का काम भी अगर ये लोग चोरी छिपे करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करती। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा पहुंचकर फतेहपुर सीकरी में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडा राज का बोलबाला होता था, पर जब बीजेपी आई तो गुंडों पर कार्रवाई हुई और गुंडे भाग गए। पहले मायावती और अखिलेश यादव की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार होता था और गुंडे माफिया लोगों को परेशान करते थे, अब कहीं ऐसा होता नहीं दिखेगा। बीजेपी सरकार सभी की सरकार है और हम सबके लिए काम करते हैं। ...2012 से 2017 तक, यद्यपि 15 साल आप गिन सकते, सपा और बसपा की सरकार भाजपा की सरकार बनने से पहले 15 साल लगातार थी। कितने साल? 15 साल। और मैं दावे से ये कह सकता हूं कि जितना काम 15 साल में सपा बसपा ने मिलकर के नहीं किया होगा उससे ज्यादा काम हमारी सरकार ने 5 साल के अंदर आपको करके देने का काम किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ताजनगरी में चुनावी अभियान को हवा देने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने जनता से गठबंधन को सपोर्ट करने और सरकार बनाए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी हर रंग को जोड़ रही है, सपा बहुरंगी पार्टी है, वहीं बीजेपी सिर्फ एक रंग की सरकार है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने के सामान में भी महंगाई बढ़ी है। सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी जी कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे, योगी जी कंप्रेशन है क्या? साथ ही उनका कहना था कि इस बार का चुनाव भाईचारा बनाम बीजेपी का है। सीतापुर के बेसुआ विधानसभा में पहुंची बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने बीजेपी प्रत्याशी निर्मल वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनता से बीजेपी को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेसुआ में जाम की समस्या है, सरकार बनते ही जाम की समस्या से जनता को निजात दिलाने का काम होगा। बेसुआ में 2 फ्लाईओवर बनवाने का काम भी किया जाएगा। मैं यहाँ पे उड़ला गांव में आई हूँ, बिस्वा के लिए प्रचार प्रसार करने आई हूँ। हम लोग बिस्वा अच्छे जीते, चलिए। जैसे मान लीजिए विपक्षियों का आरोप है कि अल्पना जी उस परिवार से आई हैं और बीजेपी में टिकट नहीं मिला है वहाँ से, तो उसके लिए क्या क्या कहेंगे आप? टिकट सापेक्ष राजनीति मेरी कभी थी ही नहीं, और मैंने विचार की वजह से ये पार्टी ज्वाइन करी है। आज मैं यहाँ पर क्षेत्रों में जा रही हूँ प्रचार करने के लिए जी। तो इसी क्रम में मैं यहाँ पर भी जनता को क्या मैसेज देना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कि बिस्वा क्षेत्र से निर्मल वर्मा जी लड़ रहे हैं, ओवैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर बरेली में AIMIM के कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि हमले करने वालों के पीछे कौन है, उन्हें बेनकाब किया जाए, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पर दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उन पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई है।
कल देखा होगा हमारे सदर साहब पे जानलेवा हमला हुआ है। आज जो योगी जी कह रहे हैं कि हमने गुंडों से देश मुक्त करा दिया, मतलब खाली करा दिया, गुंडे नहीं रहे हैं, आज देखिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कितना खतरनाक हमला, मतलब पूरा प्लान के तहत हमला हुआ है ये कि टोल पे गाड़ी हल्की होगी और वहाँ पे मौका अच्छा है वहीं पे शूट करें। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सदर साहब सेफ हैं, मगर ये लोकतंत्र की हत्या है। और मैं ये चाहता हूँ चुनाव आयोग से सबसे कि इसकी जाँच हो और काली से काली कार्रवाई हो और इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हों वो सब ओपन हों। करहल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी सिंह बघेल पर जाति बदलकर विभिन्न पदों पर लाभ लेने का गंभीर आरोप लगाया। बता दें कि एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि एसपी सिंह बघेल जो है वो जाति बदलकर लगातार कई लाभ ले चुके हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैनपुरी आने का पहला उद्देश्य मेरा ये है कि भारत के संविधान की रक्षा करना, और भारत के संविधान की कोई अवहेलना करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध मीडिया के माध्यम से जनता को जागृत करना। तो ये करहल सीट से जो विधानसभा सीट की नामांकन किया है एसपी सिंह बघेल ने, सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ सत्यपाल सिंह धनगर, चार पांच तो इनके नाम हैं। इन्होंने भोपाल में शिक्षा ग्रहण की ठाकुर जाति का बनके, वो डीसी हमने लगाई है, तो शिक्षा इनकी ठाकुर जाति से है, सिकरवार जाति से है। और जब ये पुलिसकर्मी बने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अंगरक्षक बने तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग के हो गए। और ये जलेसर से तीन बार लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए तो वहाँ इन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र लगाया। इसके बाद बीएसपी से राज्यसभा में गए तो अन्य पिछड़ा वर्ग का लगाया। टूंडला में ये एमएलए का चुनाव लड़े, वहाँ इन्होंने धनगर जाति का प्रमाण पत्र लगाया है। और वो धनगर जाति का प्रमाण पत्र ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा परफॉर्मा नहीं है सरकार का जिसपे जाति प्रमाण पत्र जारी होते हैं, वो एक टाइप हो रहा है और टाइप के बाद उसमें किसी रिट का हवाला है, उस रिट के अनुसार इनका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। मुजफ्फरनगर में 26 साल से भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे मास्टर विजय सिंह ने थक हार कर विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। दरअसल जनपद श्यामली के गांव चौसाना के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे मास्टर विजय ने 26 साल पहले गांव के ही दबंग विधायक पर लगभग 4000 बीघा सार्वजनिक भूमि को कब्जाने की शिकायत की थी, मगर तत्कालीन सरकार में बैठे अधिकारियों ने मास्टर विजय की शिकायत को अनसुना कर दिया था। कार्रवाई न होता देख मास्टर विजय सिंह ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और 26 फरवरी 1996 को चौसाना क्षेत्र की 4000 बीघा सरकारी और सार्वजनिक जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर में धरना शुरू कर दिया। इस दौरान मास्टर विजय सिंह को कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि जिस व्यक्ति पर भूमि कब्जाने का आरोप था वो विधायक बन चुका था। आरोप ये है कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनती तो आरोपी उसी सरकार में शामिल हो जाता था, जिस वजह से मास्टर विजय सिंह का आरोप है कि आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बसपा सरकार के दौरान कुछ जमीन कब्जा मुक्त हुई थी मगर उसके बाद फिर भूमाफियाओं और प्रशासन के बीच मिलीभगत के चलते कार्रवाई बीच में ही रुक गई। इस मामले में मास्टर विजय सिंह ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार में रहते मामले की जाँच कराई, जाँच में पूरा मामला खुलकर सामने आया मगर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह से मास्टर विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी नाराज हैं और इसी वजह से उन्होंने अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र करहल में उनके खिलाफ भी प्रचार करने का मन बनाया है। देखिए योगी जी ने जांच कराई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अखिलेश जी ने कमेटी गठित करी, कोई जांच और कुछ नहीं हुआ। तो इलेक्शन में जब शासन प्रशासन नहीं सुनता तो फिर जनता में जाने का विवश होकर के मैं जनता में जा रहा हूँ और मैंने तय किया है कि मैं गोरखपुर की सदर सीट से आदरणीय योगी जी के सामने इलेक्शन लड़ूंगा तथा करहल विधानसभा मैनपुरी से अखिलेश जी के विधानसभा क्षेत्र में पर्चे बांटूंगा।
और जवाब मांगूंगा कि भाई मैं 26 साल से धरने पर क्यों बैठा हूँ। आप एक तरफ कहते हैं कि हम माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं, हम कहते हैं, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है, तो फिर मैं क्यों बैठा हूँ यदि मैं गलत हूँ। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री ने आज तक इस मामले की समीक्षा नहीं करने की जहमत नहीं उठाई। समीक्षा करें, अगर दोनों कहते हैं कि नहीं आप गलत हैं, तो मुझे इन हाथों में हथकड़ी पहनाइए, जेल भेजिए। मुजफ्फरनगर के सिसौली कस्बे में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अंबेडकर भवन में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और आजाद समाज पार्टी के बढ़ाना विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए सलीम चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उनसे बात की हमारे सहयोगी तस्लीम राणा ने, सुनी। पूरी तरह से माहौल में ठंडक है और तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें माहौल गर्म है, तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या लगता है इस बार पश्चिमी में क्या लगता है। पश्चिमी वाले नु कह रहे हैं कि सारी पार्टी देख ली और इनकी बार कितनी। गठबंधन की बात करें, बीजेपी की बात करें, लगातार क्या मानते हैं आप, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह क्या रहेगा? भाई बात सुनो, अगर मैं रास्ता कठिन हो तो रास्ता बदला नहीं जाता। हम तो पिछले 6 साल तक लड़ी रहे, इस सरकार के सामने 5 साल मोर्चा खोल कर लड़े हैं, 2.5 साल जेल में रहे, सैकड़ों मुकदमे झेल रहे हैं, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। 5 साल भी लड़ रहे थे और अब भी लड़ेंगे। रही बात जनता से गठबंधन हो गया है, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये गवाही दे रही है कि वो चंद्रशेखर आजाद से प्यार करते हैं, उसका साथ देंगे। बाकी वोट है मायावती की तरफ जाएगा या आजाद समाज पार्टी को जाएगा, क्या मानते हैं? अपना कैमरा इनको घुमाओ, एक बार इनको देखो, ये जीव उनका पुराने वाला पेड़ सूख गया ना, इब उन्होंने तय कर लिया कि नए वाला पेड़ मजबूत करना बस। वो क्या लगता है जिस तरह बीजेपी लगातार कहराना मुद्दे को लेकर मुजफ्फरनगर लेकर लगातार क्या कुछ नहीं होता, बीजेपी का बेटा खराब होगा अब क्या? और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।